આગળ મૂકી દો. देखो एक रूल्स याद रखो, इस युद्ध में सक्सेस होने का जितना हो सके उतनी ऊंची आवाज में बात करो. अगर झूठ भी बोला तो ऊंची आवाज से बोलने का. समझ में आ रहा है? वेरी गुड फ्रेंड्स. मेरा नाम जितेंद्र परमार है और मेरी वाइफ अवनी जितेंद्र परमार के साथ मिलकर हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया है. मैंने मैं बताऊंगा आपको, ऐसी कहावत है आपको सुनी होगी कि हर एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक लेडीज का हाथ होता है. ये सर नो हमारे वहां उल्टे कहता है. मेरी वाइफ की सफलता के पीछे मेरा हाथ है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. ये पहला हस्बैंड था जिसने अपनी वाइफ को बोला था कि डार्लिंग ये कर ले लाइफ में मिल जाएगी. इस बिजनेस को मैं लाया था और जब मैंने अपनी वाइफ आपको बोलते होंगे साबुन डब में क्या रखा है. मेरी वाइफ ने मुझे बोला था साबुन डब में क्या रखा है. मैंने बोला पूरा गांव सुबह उठ के नहाता है. पूरा गांव सुबह उठ के ब्रश करता है. जैसा कहो अगर हमने सबकी ब्रांड बता दी ना तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी. और फिर जब सुरेखा मैम को इन्होंने सुना उनको पता चल गया कि क्यों करना चाहिए. और देन आफ्टर वी स्टार्ट दिस बिजनेस हमने बिजनेस को स्टार्ट किया. फ्रेंड्स पहला जो चेक आया था ना वो 582 रुपए राइट 582 रुपीज का आया था. और 582 रुपए का जब चेक आया था पूरा मेरा स्टाफ मेरे पे हंसा था क्योंकि मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी थी. अगर किसी को ऐसा लग रहा हो यहाँ बैठे हो किसी जेंट को ऐसा लगे कि साथ तो नवरे थे तो करवा दिया. मैं बिल्कुल नवरा नहीं था. मैं बताऊँ आपको मैं सुबह 9 बजे जाता था ऑफिस में. रात को 10-11 बजे ऑफिस में वापस आता था घर पे. और रात को बैठ के डीएनए चैनल जी न्यूज पे चैनल देखता था. और 12 बजे सोता था. ये मेरी रोज की लाइफ थी. और उस लाइफ को मैंने चेंज किया कि नहीं मुझे अपने फ्यूचर के लिए अपने भविष्य के लिए कुछ अभी से निर्माण करना चाहिए. अगर मैं ऐसा सोचूंगा मेरे पास बहुत सारा टाइम है और फिर जाके कुछ करूंगा अगर नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम था. उसी टाइम मैंने ये डिसीजन लिया मैं करना चाहता हूँ. और मैंने 41 ईयर्स की मेरी उम्र में मैंने मोदी जी को सिलेक्ट किया. मेरे पास बहुत सारी कंपनी आई थी उस टाइम जब मैं देख रहा था. मोदी के बेस्ट है क्योंकि मोदी की साबुन की कीमत 30 रुपया थी. और मैं मानता हूं कि अगर मेरी जेब को जो पोसाएगा वो बाकी की जेब को पोसाएगा. ये सर नो तो बस मैंने उसी तरह इस बिजनेस को स्टार्ट किया. फ्रेंड्स हमने इस बिजनेस से फ्रेंड्स मर्सिडीज बैन खरीदी. गुजरात में मोदी जी की पहली मर्सिडीज बैन हमने ली थी. उससे पहले बताऊं कि मैं कभी मर्सिडीज के शोरूम में नहीं गया था ना ही किसी प्रीमियम गाड़ी के शोरूम में कभी नहीं जाता था. जब भी जाता था मैं टाटा में जाता था फिर होंडा में जाता था मारुति में जाता था फिर ये सब में जाता था. कभी मर्सिडीज में नहीं गया था. जब मोदी गया तो मोदी ने टाटा किया और मैं मर्सिडीज लेने गया. और हमने गुजरात की पहली मर्सिडीज बेंज गाड़ी खरीदी 51 लाख रुपए की. और मैं बताऊँ की गाड़ी खरीदने के बाद भी मैंने और 7 लाख रुपए और खर्च कर दिए उस गाड़ी के पीछे. और फिर भी मेरे तो बोलते हैं पेट में पानी ना हारू हुए इस ओके ये वो महीना पूरा दस है इसलिए पाजा बड़ा पाट लग गया ही जाना मेरे राइट. सो गाड़ी खरीदी उसके बाद मैंने अपना खुद का एक ऑफिस खरीदा मोदी करके पैसों से ही खरीदा 60 लाख रुपीज का जो एक मेरे टीम को मैंने दिया. मैंने अपनी सारी ईएमआई पे कर दी. मेरी जितनी भी ईएमआई चलती थी मेरे घर की ईएमआई मेरे गाड़ी की ईएमआई सब कुछ मैंने पे कर दी. हम लोग 3.5 लोग हैं. मेरे 2 बेटे एक छोटा बेटा है एक बड़ा बेटा है और मैं और मेरी वाइफ 3.5 लोग हैं हम लोग. और ये 3.5 लोगों में हमारे पास 2 कार है. और मेरी बर्थडे में मुझे इच्छा होगी तो मेरी वाइफ ने मुझे रॉयल एनफील्ड भी गिफ्ट में दे दी राइट. एक्टिवा तो अभी भी है तो एक्टिवा है रॉयल एनफील्ड है ग्रैंड आई10 है और मर्सिडीज बेंज है. ये 4 गाड़ियां है मेरे पास राइट. सो फ्रेंड्स ये अचीवमेंट इस बिजनेस के थ्रू हमने किया था. हमारी टीम में दो होनहार लीडर्स आशा बेन संजय कानानी और जागृति राजेंद्र पटेल
फ्रेंड्स, इन दोनों ने अपने इसी मोदी के इनकम से सवा सवा करोड़ के घर खरीदे। तो ऑनली हम सक्सेस नहीं हुए, हमारे साथ बाकी के लोग भी सक्सेस हुए। आज हमारी टीम में 23 कार्स आ चुकी है और उसमें आज एक कार का उद्घाटन हो गया है, सुबह में ही हुआ था, किंजल सुभाष प्रजापति जी का। उन्होंने हमारी एक लेवल टीम की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा, जोरदार ताली हो गया उनके लिए। पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल आज खरीदा, 15 लाख रुपए की गाड़ी है, 15 लाख रुपए, और वो भी एक एक्स टीचर की, मतलब के जो टीचिंग छोड़ चुकी थी वो लेडीज ने हाउस वाइफ होते होते गाड़ी खरीदी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये हमारा खुद का भी है, हमारी टीम का भी, आप समझिए। फ्रेंड्स, इस बिजनेस ने जो मुझे दिया है ना आज, वो मेरे खुद के सॉफ्टवेयर के बिजनेस ने मुझे कभी नहीं दिया था। मैंने 19 साल तक मैंने सॉफ्टवेयर का बिजनेस किया, पर उतना पैसा मैं नहीं कमाया जितना पैसा मैं 5 साल में मुझे कैसे कमाया हूँ। तो ये सारे अचीवमेंट मैंने अपने बिजनेस के थ्रू किया, और ये सब कुछ अपने 5-5.5 साल में कंप्लीट किया था। जो पहला चेक 582 रुपए का था, आफ्टर 2 साल बाद जो चेक आया था वो 3,02,000 का आया था, और आफ्टर 4 साल बाद जो चेक आया था वो 6,47,000 का था। और आज आपकी बात बताता हूं कि ये बिजनेस जो आपको कर रहे हैं, तो आप कई लोग ऐसा समझते हो छोड़ना, जाने में कुछ नहीं करना, ये क्या है। मैं बोलता हूँ मोदी के साथ बिजनेस आपकी एसेट है, एसेट मतलब आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। मैं आपको बता हूँ, जब आप मोदी का बिजनेस बिल्ड करते हैं उसको आप सेल आउट भी कर सकते हैं, इस बिजनेस को पूरे नेटवर्क को सेल आउट कर सकते हैं। इस बिजनेस के थ्रू आपने जो कमाया हुआ है, आपका नेटवर्क जो है वो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। आज मेरे दोनों बेटे हैं, मैं इस पूरा बिजनेस अगर मैं दुनिया में नहीं भी रहा तो वो सारा बिजनेस मेरे बेटे को मिल जाएगा, और आप मेरे बेटे को भी इसी तरह हार पहनाएंगे, उसकी शुरुआत सीधे जीबीडी से होगी। तो मैंने एक बार मेहनत की और मेरे बेटे को मैंने जिंदगी के बेटे लिए शांति कर दी। आज मेरा बेटा IIT में पढ़ रहा है, वो फ्लाइट में जाता है, फ्लाइट में आता है, राइट। मेरा बेटा, मेरा छोटा बेटा है, कभी कभी हम दोनों बातें करते हैं कि पापा हम पूरे दिन 4-4 उनके AC चलाते रखते हैं, 4-4 उनके AC चलते रहते हैं। हमारे काम वाले जो भाई आते हैं वो बोलते हैं सर आपके घर में अच्छा लगता है, ठंडक होती है यहाँ पर, मजा आती है। तो मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था कि पापा ये 4-4 AC हम चलाते हैं, मैंने बोला शुक्र गुजार कर मोदी घर का कि उससे पैसे 4 AC चल रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात, उतना सब कुछ उसने हमें दिया है कि उसका मैं जितना शुक्र गुजार करूँ उतना कम है। बट इन सब के पीछे एक इंसान का हाथ था, वो थे मेरी वाइफ। अगर मेरी वाइफ नहीं होती तो ये पूरी सीखता था। गुड मॉर्निंग अचीवमेंट तो सर ने बता दी है, पर पता है सबसे पहले क्या ऑब्जेक्शन क्या आया था, जो प्रॉब्लम्स क्या आई थी, कि मेरा बड़ा बेटा 10th में था और छोटा 4th में था, न्यूक्लियर फैमिली थी, छोटे बेटे को मैं ही पढ़ा रही थी, वो पूरा मेरे ऊपर डिपेंडेंट था। पर जब मैं इवेंट में गई तो मेरे दिमाग के धक्कन खुल गए, क्या इसमें तो ये भी कमा सकता है, वो भी कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकती। मैं कहीं कहीं छाते में हमेशा ऐसे थी, तो यार ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने डिसीजन लिया कि बिजनेस करना है। घर वालों ने मना किया होगी, अभी मत कर, 3 साल बात कर लेना, 3 साल बात कर लेना। अगर क्या मैं 3 साल राह देती तो आज क्या होती मैं यहाँ पे, शायद आप लोगों की कोई टाइमलाइन होती, आप लोग मुझे यहाँ पे इन्वाइट करते ना। पर जब बिजनेस दिमाग में घुस चुका था, नहीं इसमें पैसा है हम कमा सकते हैं ना, तो क्या किया, घर वालों को, चारों लोगों की मीटिंग बुलाई मैंने, चारों को विश्वास में लिया कि देखो बिजनेस तो करना है, आप 10th में हो। पहले बड़े बेटे को समझाया कि आपको करना क्या है, उसने बोला मुझे IIT क्रैक करना है। मैंने बोला ठीक है, IIT क्रैक करना है, ड्रीम किसका है, वो बोले मेरा है, पढ़ना किसको पड़ेगा, मम्मा मुझे पढ़ना पड़ेगा, मम्मा पापा घर पे रहे ना रहे आप पढ़ोगे कि नहीं, उसने बोला हाँ मम्मा मैं पढ़ूंगा। तो उसका गोल क्लियर करवाया, उसका ड्रीम क्लियर करवाया, और हेलीकॉप्टर पैलेस कभी नहीं बने। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ ना, आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाइए, उनके ऊपर विश्वास रखिए, उनके सपनों के ऊपर विश्वास करिए, उनको ग्रो करने दीजिए। उसने जवाबदारी ली, वो पढ़ा और वो रिजल्ट लाया। छोटा उसको एक नजदीक में अच्छी सी ट्यूशन टीचर दिलवा दी ताकि मैं अपने हिसाब से खुद ही कर सकूं। उसी तरह न्यूक्लियर फैमिली को साथ में रहे, 3 साल उसका 10th, 11th, 12th में फुल फोर्स में खुद ही काम में लग चुकी थी, फिर भी वो पढ़ा 10th, 11th, 12th। फाइनली उसने इंडिया की 7th रैंक की IIT गुवाहाटी IIT में एडमिशन लिया। ठीक उसका था, मेरा नहीं था। तो हम लोग क्या करते हैं, खुद टेंशन लेकर पढ़ते हैं ना, अरे यार अभी 10th में है, अभी 12th में है, क्या होगा, अरे उसका टेंशन उसको दे दो, हमको सबका टेंशन लेके नहीं घूमना है। जैसे अपनी डाउनलाइन भी है, उसको डायमंड पढ़ना है, तो डायमंड का टेंशन उसको होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए।
हम क्या करते, अरे यार ये कैसे डायमंड बनेगा, ये कैसे प्लेटिनम बनेगा, उसको तो टेंशन नहीं है ना, वो नहीं बनेगा, उसका टेंशन उसको दे दो, डायमंड बनना है इतना इतना करना पड़ेगा, हाँ मैं साथ में हूँ। ठीक उसी तरह बच्चों को भी ग्रो किया, तो फाइनली आज वो IIT गुवाहाटी में है, छोटा बेटा तब फोर्थ में था, आज वो 10th स्टैंडर्ड में आ चुका है, उसका भी 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो चुका है, फिर से वही साइकिल चालू हुई 10th 11th 12th। हमने कभी कोई बहाने नहीं बताए, कोई एक्सक्यूजेस नहीं बताए, कभी आपको पता चला कि कब मेरा बेटा 10th 11th 12th की एग्जाम दे चुका था? हर सेमिनार ट्रेनिंग इवेंट में हम लोग हाजिर रहते थे, उतने ही डेडिकेशन से सिर्फ टाइम को मैनेज करना सीख गए थे। जैसे छोटे बेटे को आज मैं लेके आई हूँ, मैंने बोला वो मूवी देखने जा रहा था, मैंने बोला मूवी देखने रात को जा, अभी तो मेरे साथ चल, तो यूट्यूब संभाल ले, फेसबुक लाइव संभाल ले, दे सकते ना बच्चों को जवाबदारी, अपनी फैमिली को इसको इसमें इन्वॉल्व करो, आप जो भी कर रहे हो इसके लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के कर रहे हो, अपने बच्चे परिवार के लिए कर रहे हो ना, तो उसको भी मैं लेके आई, मैंने बोला तू इतना संभाल ले। सुबह वो एग्जाम देके आया 12:30 बजे आया, फिर हम उसको लेके यहाँ पे आ गए, रात को वो मूवी देखने जाएगा। टाइम मैनेजमेंट यही हमने 5.5 साल किया, कोई रॉकेट नहीं फोड़ा, कोई बॉम्ब नहीं फोड़ा, घर परिवार बिजनेस हस्बैंड का बिजनेस सबको साथ में लेके चले, और फाइनली एक फिनिश प्रोडक्ट बन के यहाँ पे आ चुके हैं। क्या आप आना चाहते हो? Yes. सबने बड़े हैं। Yes. अभी यहाँ पे कौन आया था हमारे पहले? थाईलैंड वाले। ऑलमोस्ट कितने सारे लोग आ चुके थे, बहुत सारे लोग फिर भी हॉल में थे, उनको नहीं आना है आगे? आना है yes. अंदर कुछ हुआ? yes. ये खुला? yes. ये इतने सारे लोग स्टेज पे आ चुके हैं, थाईलैंड जाना है। पता है लास्ट मंथ सिर्फ लास्ट के 10 या 12 दिन पहले कंपनी ने डिक्लेयर किया था हमारी एकलव्य टीम से 65 लोगों ने वो क्वालिफाई करा है, 65 लोगों ने। और आज हम लोग ये मिशन पे है, ये महीने का हमारा मिशन है 201 से ज्यादा लोगों को थाईलैंड ट्रिप में एंट्री करवानी है। क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहते हो? yes. आप वो 201 लोगों में शामिल होना चाहते हो? yes. टेंशन किसको लेना पड़ेगा? खुद को, हम नहीं, आप नहीं आओगे हम दूसरा ढूंढ लेंगे, हमको तो 201 चाहिए। आप बोलोगे नहीं मैडम नहीं हो रहा है, नहीं करना है, अभी मूड नहीं आ रहा है, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट भी बोलेगा नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट। और कहां आप
पाओगे क्रूज में, तो ये थाईलैंड थाईलैंड नहीं है, ये थाईलैंड क्रूज में जाने का रास्ता है। और एक चीज आगे बताओ, उसे भी आगे जानना चाहते हो? Yes. चाहते हो? Yes. आप हो और 6 अलग अलग लोग हैं ना, उनके नीचे भी एक एक लोग को थाईलैंड करवाओ, हर एक से टोटल 2-2 लोगों को थाईलैंड करवाओ, यानी कि 12 लोगों को थाईलैंड करवाओ। कितना चेक आएगा? 1 लाख प्लस का चेक आएगा ना, डायमंड 6 लाख LP बन जाएगी, 1 लाख प्लस का चेक, उससे ज्यादा चेक आएगा। कर सकते हो? Yes. 6 महीने है, सिर्फ 6 महीने है, जी लगा के काम कर दो। पहले जब एप्टन जिमी प्लान आया था तो हम बोलते थे कि यार मार्च 2023 तक काम कर लो, डायमंड बन जाओ, क्रूज में आप जाओ बोले। अभी मैं बोलती हूँ दिसंबर 2023 तक काम कर लो, फटाफट 6 लोगों के साथ थाईलैंड ट्रिप अचीव कर लो, डायमंड बन जाओ, आप क्रूज में आ पाओगे। मर्जी आपकी है, डिसीजन आपका है। और ऐसे जो भी इवेंट होती है ना, उसमें डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, दीपा की ढक्कन खोले जाते हैं, यस ये सारे लोग कर सकते ना तो मैं भी कर सकता हूँ। करना चाहते हो? Yes. आना चाहते हो? Yes. 201 लोग का हमारा मिशन है, आपको उसमें आना है, तो आपको जिसने भी इनवाइट किया ना, वो आपका अच्छा चाहता है, वो आपको थाईलैंड और क्रूज में ले जाना चाहता है ना, बाहर निकल के तुरंत उसको पूछ लेना क्या करना है। पूछोगे? Yes. पूछोगे? Yes. आवाज नहीं आ रही है? Yes. पीछे से, पीछे से, यस यस, आवाज पीछे से आनी चाहिए, आगे से तो बहुत आ रही है, पीछे से आवाज आनी चाहिए। तो बस फ्रेंड्स यही करना है बिजनेस में, लोगों से मिलना है, प्रोडक्ट सेल करना है, स्पॉन्सरिंग करनी है। दूसरा, जो थाईलैंड ट्रिप है उसको और इजी करने के लिए कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया सा स्पॉन्सरिंग ऑफर लॉन्च किया है, पता है सबको? Yes. क्या करना है? खुद की 3,000 की खरीदी करनी है, तो वैसे भी हम 63 तो करते ही है, 4 नए लोग लाने हैं। कितने? 4 अलग अलग लेग में 4 नए लोग लाने हैं, चारों को क्या करवाना है? 3,000 की खरीदी करवानी है, कोई पीली पीली की झंझट नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा? 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, कमाने हैं? Yes. देखो 2,000 ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। और दूसरा बताओ, एक्स्ट्रा की कीमत हमेशा ज्यादा होती है ना, एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो 2,000 एक्स्ट्रा कमाने का आपके पास बढ़िया सा मौका है। दूसरा, जो 4 लोगों को 3,000 की खरीदी करवा रहे हो ना, तो उसमें ट्राई करो वो 60 की भी करे। 60 से फायदा क्या होगा? उसका 5% का लेवल आएगा, समीर मोदी सुपर बोनस के साथ उसका 300 रुपए तक का चेक आएगा। करवाओगे उसको? Yes. हमारा फायदा नहीं देखना है, वो 4 लोगों का भी फायदा देखोगे, सिर्फ 3,000 नहीं, उसको 60 PV हो जाए, उस तरह का प्लानिंग करवाओ ताकि उसके घर में भी अच्छे पैसे आए, और वो 4 लोगों को भी 2,000 एक्स्ट्रा कमाना सिखा सकते। Yes. सिखा सकते। Yes. क्या होगा फिर तो? नीचे 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 थाईलैंड 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 और इसे हो जाएगा। इतना बढ़िया कंपनी का ऑफर है जो हमें कुछ और पुल देता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ टूल्स है, जैसा हाई टीवी प्रोडक्ट है, उसके लिए हमारे 2 लीडर्स है, वो आपको सिखाएंगे। और उसके अलावा हमारे पास है हमारा डेमो की एक बढ़िया सा हथियार है। कितने लोगों के पास है? यस, वैशाली जी लाइए 1 मिनट। कितने लोगों के पास है? रोज निकलते हो इसके साथ? यस। कितने घर की चाय पीते हो ये लेके? देखो ये ऐसे सजाने के लिए नहीं है, सेंटर टेबल पे इसको लेके रोज की 3 घर की चाय इसमें आना है। प्लानिंग करिए, इसको बाहर निकालिए, देखो ये गंदी है, जितनी गंदी लेमो की होगी ना उतना बड़ा चेक होगा, क्योंकि इसका मतलब ये रोज बाहर निकलती है, जो बाहर नहीं निकलती ना एकदम साफ सुथरी होती है, एक भी ग्रीस नहीं होती उसके ऊपर ना, ये गंदी है, नाम भी निकल गया, मतलब क्या है, ये रोज बाहर निकलती है, 3 घर की चाय पीती है, तो ये नहीं है, वो फटाफट बना लीजिए, अपने अपने का कॉन्टेक्ट करिए। दूसरा, ओके ये तो था हमारा रेगुलर प्रोडक्ट, अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है ना, लोग अच्छे से मेकअप करेंगे, तैयार होंगे, एक दूसरे को कुछ ना कुछ गिफ्ट करेंगे। ये है हमारा फेवरेट 60 PV स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट। कितने लोगों के पास है ये? देखो जेंट्स भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि लेडीज के पास भी होना चाहिए, आपके पास होगा प्रोडक्ट अच्छे भी तो करवा सकते हो ना। यस डॉक्टर जयसर ने हाथ ऊपर किया, यस सर वेरी गुड, उनके पास भी है तो वो इसके ऊपर बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो ये अर्बन कलर केमो की, जिसके भी पास नहीं है, जिसको थाईलैंड आना है, क्रूज में आना है, अपनी अपलाइन से तात्कालिक कॉन्टेक्ट करिए, भले आपने आज ही ज्वाइन किया है, फटाफट से उनके उनके साथ चलिए, उनको बताइए कि डेमो की कब और कैसे बनानी है, बढ़िया सा टूल्स है, ठीक है रख दीजिए। तो बस इसी के साथ हमने सारे सपने पूरे किए हैं, कुछ
लोग बोलती है ठेला लेके कहाँ निकले, आपको बोलना है ये ठेले में से थाईलैंड ट्रिप निकलेगी, क्रूज निकलेगा, निकल सकता है ना, हमारा निकला है तो आपका भी निकलेगा। बस ठेला उठाने में शर्म नहीं करनी है, इसको लेकर रोज की 3 से 5 घर की चाय पीनी है, फिर देखिए बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, पर उड़ने लगेगा। उड़ाना है, उड़ाना है, थैंक यू। अच्छा एक चीज अपना जाना मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस बहुत इजी है। अच्छा मैं बताऊं कि क्यों इजी है, आप में से कितने लोग सुबह नहाए थे? सभी लोग नहा के आते हैं, ठीक है। कितने लोगों के घर में कचरा पता हुआ था? कितने लोगों के घर में खाना पका था? कितने लोगों ने आज बोलते ना कपड़े धुले थे? सबने सबने सबने। आप उधर इन सब में कोई भी कोई प्रोडक्ट यूज करते होंगे आप लोग, तो बस अपमोदी के लिए प्रोडक्ट यूज करनी है, राइट। अगर आप अपना लक्ष्य का साबुन नहीं छोड़ सकते ना, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जो अपनी ब्रांड बदल नहीं सकता ना, वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता, राइट। सिर्फ यहाँ पे ब्रांड बदलनी है।